हाँ जी, क्या बात है? पिता को क्या फिक्र हो, क्या सोच रहे हो? पापा हम सोच रहे थे कि इस साल बरीद 2023 पर भी गरीबों के बच्चे और गरीब खुद गोश्त नहीं भेड़ बर्गर खा सकते। हाँ ये बात है, ये देखने वाली बात है। चंद सालों से ये देखा भी जा रहा है, बल्कि हम तो काफी अच्छे से देख रहे हैं। ये बात बाकी बेटा, फ्रिज यहाँ मेरी बेटी फ्रिज तो सूरत के लिए बनाई गई है ना, कि लोग इसमें ठंडा पानी पिए और इसमें चीजें रखें, खराब ना हो, इसलिए बनाई गई है फ्रिज वगैरह। लोगों ने फ्रिजों में ना इतने गोश्त क्यों भर के रखा हुआ है? हाँ मेहरबान जी, ये बात भी देखने वाली है कि इस बात में कि लोगों ने है तो ये सूरत वाली थी फ्रिज और जो फ्रीजर वगैरह ये गोश्त भरने के लिए जो नहीं थी। बहरहाल नाथ, जैसे आप मेरे बच्चों की बात सुन रहे हैं, मैं आपका मेजबान, आपका होस्ट शेख मुजफ्फर हुसैन। आप काफी अच्छे से मेरी वीडियो देख रहे हैं, काफी सारे चैनलों पर और काफी सारे ऐप पर भी देख रहे हैं, काफी सारी जैसे यूट्यूब है और फेसबुक है, टिकटॉक है, स्नैक है, काफी सारे। तो ये बच्चों ने जो पहलू छेड़ा है ये वाकई सराही पहलू है। तो मैं ये देखता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप पाकिस्तानी हैं और काफी सारे आप लोगों के साथ हमदर्दी से भी पेश आते हैं, माशाल्लाह आप सादे सीधे के लोग हैं और काफी सारे लोगों की आप दिल जो भी करते हैं पूरा साल करते हैं, सिर्फ कुर्बानी के दिनों में भी नहीं, अभी भी आपने कुर्बानी की हर साल करते हैं और काफी सारे लोगों को आपने गोश्त तक पहुँचाया भी है, दिया भी है, इस बात में कोई शक नहीं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको जिला दे। लेकिन कुछ साथी मैंने देखे शायद अनजाने में वो उस तरह से गोश्त लोगों तक नहीं पहुंचाते, ज्यादातर फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। तो सोचने वाली तो ये बात है, ये जो कुर्बानी होती है ये तो सब सीधे लोग करते हैं, गरीब तो नहीं करता। तो सब सीधे तो साल भर जिस वक्त चाहे गोश्त घर ले आए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अलोयाद के लिए। मसला गरीब का और उसके बच्चों का है जो पूरा साल गोश्त के लिए तरसते हैं और साल भर इंतजार करते हैं कि बड़ी ईद आएगी तो फिर हमें जी भर के गोश्त खाने को मिलेगा। तो जब ईद आए तो फिर भी उन्हें जी भर के गोश्त खाने को ना मिले तो फिर जो उनके या उनके जो वालदैन के नजरियात हैं उनके हैं, जज्बात होते हैं, आप भी उनको समझ सकते हैं, आप भी बच्चों वाले हैं। तो इसके साथ ये भी देखने में आ रहा है कि गरीब लोग भी कुछ ऐसा करते हैं कि बाग बाग के ना घर घर जाकर इतना इतना गोश्त इकट्ठा कर लेते हैं कि अपनी फ्रिज जो है भर लेते हैं, बल्कि मोहल्ले के भी कई लोगों के घरों में फ्रिज जो होते हैं उनमें भी जा गोश्त रख खाते हैं, यानी कि दूसरे लोगों का भी हिसाब वो खुद ही ले जाते हैं। और जो थोड़ा इस तरह से थोड़ा कह लें कि बड़े मंद लोग होते हैं या खासकर जो सादा कह रहे या नहीं जाते तो वो इतना गोश्त नहीं ला सकते। तो खासकर जो सफेद पोश तबका है वो मैंने देखा है कि वो तो बिल्कुल काफी सारी चीजों से मामला से पीछे रह जाता है। तो कुमकुमती माम अगर मदाद को मिलती है उससे भी पीछे रह जाते हैं कि अपनी तरफ की वजह से वो नहीं जाते, या कुर्बानी के गोश्त के लिए भी इतनी भाग दौड़ नहीं करते, उन्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है। तो आप उस तक प्लीज जरूर उन तक पहुंचे, उनका गोश्त पहुंचाएं, क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा जाती तजर्बा इस वाले से है कि मैं 6-7-8 साल से अपनी मददात के तहत मैं इधर अपने गांव में गरीब औरतों के लिए, गरीब विवाह यतीम औरतों के लिए गारमेंट्स कारखाना और स्टिचर जो सिलाई सेंटर है वो शुरू किया था। तो वो मैंने कैसे शुरू किया था, मेरा काम तो था गारमेंट्स का कारखाना था और टेलरिंग का काम था। तो मेरे पास इलाके की जो औरतें आती थी वो कि हमें कोई थोड़ा काम दे दिया करें सिलाई का, तो इसलिए हमारे मामला नहीं चल रहे, वो तो जी में चला जाए कि अक्सर वो कह देती थी। तो मैंने देखा कि काफी सारी ना हमारे इलाके में बेरोजगारी है, गरीबी है, तो मैंने 4 मशीनें ला दी। तो मेरी वाइफ ही साथ वो भी कर लेती है, उसको भी मैं उस काम पे लगा दिया। मेरी बेटी जो बड़ी है वो भी, तो मेरे दूसरे बच्चे ये भी साथ होते थे दिन में। तो औरतें वो तकरीबन 4 मशीनों में तकरीबन 6-7 औरतें ना अपना काम सीख रही थी, कर रही थी। हम
लेकिन औरतें बढ़ती गई, तो हमने जब औरतें बढ़ी तो हमने उनको 6 मशीनें फिर कर दी, फिर 8 कर दी, करते करते हमें 12 मशीनें करना पड़ी। 12 मशीनों पर तकरीबन 15-16 औरतें काम कर रही थी, सीख भी दी थी जो फ्री में होता था, कोई उसमें कोई नहीं था, बस दुआएं दुआएं जैसे कि अल्लाह ताला वो दुआई देती थी, तो हमारे हमें समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये भी काफ़ी है। तो वैसे भी गरीब ने क्या देना होता है, वो बेचारे अपने मामला की वजह से डस्टर्ब होते हैं। तो लेकिन औरतें बढ़ती गई, तो औरतें जब लगभग 1000 के करीब होते मेरे पूरे, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता वो मेरे पास आते जाते, कई दोस्त भी मेरे यहाँ में जो इलाके के लोग हैं वो भी मुझे कहते यार वो फला गरीब है हमारे इलाके, उसको भी बता। तो फिर मैंने ये जो हमारे अल्लाह खान है उन तक बात पहुंचाई, तकरीबन मैं काफी सालों से पहुंचा रहा था, हमारे MPA साहब हैं जो है, MLA साहब हैं हमारे इलाके के, तो मेरा इलाका ये बनता जिला बजेठा तहसील गुजरात में, मेरा बागवल है, बागवल कला टांडा के नजदीक आगे शाम जुड़ी तरफ निकल जाते हैं, सियालकोट की तरफ। तो मेरा इरादा था कि आगे आने वाला वक्त में इंशाल्लाह मैं सियालकोट से भी थोड़ा स्ट्रीजर का काम ला के तो वो भी साथ कर लूँ। तो मैं बरहाल मैंने DC साहब जितने हमारे इतने सालों में हुए तक भी मेरा बात है कि ये आपका काम है, फर्जाबाद का काम नहीं, मैं तो सिर्फ अपना वसायल के मुताबिक ही कर सकता था। तो बरहाल कर रहा था मैं जैसे भी, तो जब कोरोना आया तो मैंने देखा कि काफी सारे उससे पहले भी लोग, तो मेरे पास जब ज्यादा औरतें आती थी तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने जो उनमें गरीब जरूर से ज्यादा गरीब थे, बेवा थी बच्चियां थी, उनको काम पर रख ले, दूसरों से मदद कर ली, आती तो आज भी आती हैं। तो मैंने देखा एक पास ऐसी ऐसी औरतें जिन्हें लगता था कि ये अच्छे पे लगा रखी हैं, लेकिन जब वो बात उनके उन्हें बताना, फिर उनको जब मैंने देखना कि वाकई यार वो बहुत गरीब है, सफेद पोश है, लेकिन अब इज्जत की वजह से तो मौजूद है। बल्कि मेरे पास एक औरत आई, उसने मुझे बताया, वो सैयद दादी थी हमारे गाँव के साथ, को थोड़ा दूर से दूसरे तीसरे गाँव में दूर से आती थी, तो उसने मुझे धीमे से लाइन में बताया आशा से कि मैं भाई मैं मेरे घर में 3 माह आंडी नहीं पकी, मैं चावल से और ये लहसुन प्याज वगैरह से हम खाना खाते हैं, 5 मेरी बच्चियां हैं, एक बच्चा है जो छोटा है, तो बेटियां भी ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन बड़ी हैं, बेटा छोटा है, तो मियाँ मेरा जो है वो छोटी सी दुकान है उनकी चाय का, ठीक है छोटा सा चाय का, तो गाँव में कितनी चाय बिक जाएगी, तो मेरा गुजारा नहीं होता, तो मैं इसलिए भाई मतलब मैंने जब उसका पता कराया तो वाकई वो बहुत हकदार थी, मैंने उससे भी बता दिया। फिर बाद में मैंने वो औरतों के लिए रक्षा भी लगा दिया, वो तकरीबन 1000 का वो लेते थे सुबह और शाम को लाने और ले जाने में, दोपहर का खाना भी शुरू कर दिया। तो मैं तो जैसा कर रहा था, तो मैं जैसे तो बात बताने वाली ये थी कि मैंने उस वक्त देखा कि जो मेरे गाँव से या मेरे कस्बे से या मेरे इलाके से जिनको मैं समझता था यार अच्छे वाले लोग हैं ठीक ठाक है, लेकिन जब वो मेरे साथ जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर हमें रोजगार मिलेगा, क्योंकि यहाँ औरतें काम करके तकरीबन उस वक्त 600-800 दिन का कमा लेती थी, तो जब मैं वो काफी सारी औरतें आने लगी, तो मैं जब पता किया तो पता लगा कि यार काफी सारे जो जिनको मैं समझता था ये ज्यादा गरीब है, उनकी नस्बत वो सफेद पोशी ज्यादा हकदार थे कि जो ये इधर आते थे। तो अभी तो मेरा काम थोड़ा बंद है ये कारखाना, जब वो कोरोना में मैंने काफी सारा मुझे लॉस हो गया तकरीबन 38 लाख का, तो फिलहाल तो बंद है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मुझे अलग घर में भी लगे जल्दी शुरू हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि उस वक्त ये हालत थी, तो आज तो फिर महंगाई ज्यादा है, इस साल ज्यादा हो गई है, तो लोगों का कैसे गुजारा होगा, तो आप प्लीज इस बारे में जरूर सोचे कि जो आपके इलाके में सफेद पोश गरीब लोग हैं उन तक जरूर पहुंचे। इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि कई लोगों के घर में फ्रिज भी नहीं होगा इस मौसम में, इस गर्मी में और इस इतने रात में, अगर किसी का घर फ्रिज नहीं तो समझ लगे ये कितना गरीब होगा, सिर्फ सफेद पोश है। इसके साथ मैं ये भी देखूँ वो बल्कि वो हो सकता है वो मकरूज भी हो, वो फैमिली मकरूज भी हो, लेकिन अपने कभी भी अपने ऊंट नहीं खोलेंगे अपनी इस नफ्स की वजह से, तो आप उन तक भी जरूर पहुंचे, यकीनन आप पहुंचते होंगे। मैं आपसे तय दिल से आपकी कदर करता हूं, मेरा मसला या मेरा मसला आप पर तंज करना नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम बहुत ज़्यादा हमदर्दी करने वाले हैं, लेकिन शायद मैं समझता हूँ कुछ लोगों तक ये ना पहुँच सकते हूँ,
तो उन तक भी खासकर तफसील पूछ लोगों तक जरूर पहुंचे। तो ये मेरे बच्चों ने, ये मेरा बेटा फिजान अली, ये मेहरबान अली, ये जहान अला बतू, इन्होंने अच्छा टॉपिक छेड़ा है, तो आप जरूर उन तक जरूर पता करें, मालूमात करें, आपके इलाके में भी हो गए, दूसरे इलाकों में भी हो गए, उनको बूस्ट भी दें और उनके दिल जो भी करें, अल्लाह जाने कल आराम लोग कैसा कैसा हो जाए, उनको अल्लाह ताला जी तो अल्लाह के काम है, चाहे तो किसी आम से बंदे से कितना अच्छा काम ले ले, ये उसके काम है। कल शायद वो बड़े के ऊपर चले गए, अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारी दौलत से नवाज दे, तो उन्हें वो याद होगा कि हमारे जब हम गरीब थे या हमारे मुश्किल हालात थे तो हमारे साथ लोगों ने या फला फला लोगों ने हमारे साथ अमल किया था, तो आज हमने भी तलाश करके, उन्होंने करना भी चाहिए मेरे ख्याल में, जिनको इस हालातों में गुजरना गुजरते हैं लोग, उनको जरूर करना चाहिए, जब बंदा उन्हें वक्त दे तो उन तक जरूर पहुंचे। ये मैं समझता हूँ कि हमने भी जिंदगी में बड़े सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो गरीब थे जब वो मालदार हुए तो वो उन लोगों तक पहुंचे और जितलाया भी नहीं उन्होंने। तो मैं सभी के लिए दुआ करूँ, उन लोगों के लिए भी जो लोगों के लिए अच्छा करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जजा दें, और उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो अच्छा नहीं करते अल्लाह ताला उन्हें तफीक दे। तो मेरी वीडियो को देखिएगा, मेरे चैनल जो आप YouTube पे ही देख रहे हैं, AP न्यूज, अपना पाक न्यूज, और देश पंजाब पंजाबी चैनल है मेरा, आगाही न्यूज है जो मेरा मजहबी चैनल है, और मेरे पाक अफवाज, और जो अफवाज भी इंशाल्लाह उसके लग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमारे इदारे पाक अफवाज हमारा फख्र है, तो उनके लिए मैंने पाक मुहाफ़िज न्यूज के नाम से भी, और हमारे दूसरे जो इदारे हैं उनके वाले से भी पाक मुहाफ़िज न्यूज के नाम से भी मेरा चैनल है, उसको भी देखिएगा, और मुझे लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोज को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका बहुत अमन होगा। मैं भी काफी सारे अभी इन मामला में इससे मुझे काफी सारी सपोर्ट मिलेगी, तो मेरे काम के लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और अल्लाह ताला आपको जजा दे। तो अपने एंकर मुजफ्फर साहब शेख को इजाजत दें, फिर किसी नई वीडियो के साथ आगे लूंगा आपकी खिदमत में, आपको आपका बहुत थैंक्स, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप भी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।